और मध्य प्रदेश इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चुके हैं, कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल 1541 वोट से आगे हैं, बीजेपी के सुदेश राय तकरीबन 4499 सीट वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा इंदौर की बात की जाए तो इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय आगे चल रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव, और छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों में कमलनाथ पिछड़ गए थे, लेकिन अब वो आगे चल रहे हैं। ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर में बीजेपी 2 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। शुरुआती रुझान है कांग्रेस में, ग्वालियर में कांग्रेस लगातार 4 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 2 में बीजेपी आगे है, शुरुआती रुझान है। और देखना होगा उमरिया ईवीएम के पहले राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, शिव नारायण सिंह 1741 वोटों से आगे चल रहे हैं। और पवई से अगर बात की जाए तो पवई से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक पीछे चल रहे हैं, शुरुआती रुझान है, आगे देखना होगा। और बुरहानपुर की अगर बात की जाए तो बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस आगे चल रही है, 2000 मतों से उन्होंने लीड बनाई हुई है। बता दें कि वो पिछला चुनाव नहीं लड़ पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया। और भाजपा से लखन वर्मा आगे चल रहे हैं, और आपको बता दें कि सौंसर से कांग्रेस के विजय चौरी आगे चल रहे हैं, सौंसर विधानसभा सीट से कांग्रेस आगे, और परासिया से कांग्रेस के सोहन बाल्मीकि आगे चल रहे हैं। और ये छिंदवाड़ा जिले की सीट है। और इसके अलावा बात की जाए उमरिया जिले की, तो उमरिया जिले में मानपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी तिलकराज सिंह आगे चल रहे हैं, शुरुआती रुझान है। और नरेला से विश्वास सारंग 6100 वोटों से आगे चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। और नागदा की बात की जाए तो डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान तकरीबन 1130 वोटों से आगे चल रहे हैं। बुरहानपुर में काउंटिंग लगातार जारी है, वहां पर काउंटिंग का पहला राउंड पूरा हो चुका है। बुरहानपुर में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी 910 वोटों से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के विक्रम मस्ताल पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 13000 वोटों से लीडिंग बनाई हुई है, तो बड़ा आंकड़ा है, मार्जिन बहुत बड़ा है। और कांग्रेस के विक्रम मस्ताल पीछे चल रहे हैं। और सीहोर से हमारे साथ में चंदर सिंह भगवान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंदर, क्या हाल है आपकी सीहोर विधानसभा का? हालांकि शुरुआती रुझानों में वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। मनीष, बताना चाहूंगा कि सीहोर जिले के 4 जो विधानसभा है उन के जो मतगणना का दूसरा राउंड खत्म हो चुका है, जिसमें कि अगर बुधनी विधानसभा की बात करें तो जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम मस्ताल से लगभग 13000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर इछावर विधानसभा की बात करें तो पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल 1400 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर सीहोर विधानसभा की बात करें तो पूर्व विधायक सुदेश राय कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत सक्सेना से 2000 वोट के करीब आगे चल रहे हैं। वहीं अगर आष्टा की बात की जाए तो आष्टा में भी बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल इंजीनियर कांग्रेस के प्रत्याशी कमल चौहान से 500 वोट से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्र, जिस प्रकार से देखा जा रहा है सीहोर जिले की जो विधानसभा सीट है उसमें कहीं कांग्रेस और कहीं बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश पर अगर नजर डालें तो बीजेपी 150 सीटों पर लीडिंग बनाई हुई है। क्या जो शुरुआती रुझान है ये जो पूरा का पूरा आंकड़ा है उसमें तब्दील हो जाएगा, क्या यही मत माने? बताना चाहूंगा कि ये जो शुरुआती रुझान है वो जब तक 10 राउंड नहीं होगी तब तक अपन क्लियर नहीं कह सकते कि यही रहेगा। 10 राउंड के बाद भी ही पता चलेगा कि उलट फेर हो सकता है, क्योंकि 10 राउंड तक तो बहुत हल्के में वोटों की गिनती होती है, जिसमें कि 5-10 हजार वोट से प्रत्याशी आगे चलते हैं, लेकिन 10 के बाद जो अंतर रहता है उसको कवर पाना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत बड़ी लीडिंग है, 150 पर बीजेपी और कांग्रेस लगातार 79 पर है। हालांकि शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि कांग्रेस लीड बनाई हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम की पेटी खुली, ईवीएम की वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी आगे निकलती गई, कांग्रेस पिछड़ती गई, और कांग्रेस अब इस प्रकार से पिछड़ी है कि बीजेपी का मुकाबला कर पाना मुश्किल हो रहा है। चंद्र सिंह जी, जी हम देख रहे हैं कि बीजेपी अभी 150 सीटों पर है, कांग्रेस और कांग्रेस 79 सीटों पर है, लेकिन ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस ने लीड बनाई, लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला तो बीजेपी ने एकदम से इतनी बढ़त बनाई कि कांग्रेस को अब वहां तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। 100 सीटें भी कांग्रेस के खाते में नहीं जाती दिख रही है। हालांकि दावे दोनों पार्टी की तरफ से आए, कमलनाथ ने कहा कि हमको जनता पर विश्वास है, बीजेपी कह रही है कि हमको भी जनता पर विश्वास है, जनता का विश्वास बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है।
चंदर सिंह। मैं बताना चाहूंगा मनीष, अभी जो रुझान 157 सीट के भाजपा का आ रहा है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी से अधिकतर 99% भाजपा की प्रत्याशी जो है 5000 से कम लीड पे जीतते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये रुझान बहुत जल्दी जब 10वां राउंड आएगा तो चेंज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अभी एक दो राउंड की गिनती हो रही है, तो एक दो राउंड में तो फिलहाल बीजेपी के सभी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगभग 153 सीटें अभी मैं देख पा रहा हूं, जहां तक 153 सीटें बीजेपी, 74 पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन देखना होगा कि एक के बाद एक राउंड जो गिनती होगी उसमें क्या बीजेपी क्या कांग्रेस कहां कितना आंकड़ा सटीक बैठेगा, कहां कितनी वोटिंग होगी, कहां कितना सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी। लेकिन यह दिखाई दे रहा है कि कोई कांटे की टक्कर नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बातें चली कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन यह तो एक तरफा मत जा रहा है बीजेपी की ओर। चंद्र सिंह भगवान जी, मनीष जी, बताना चाहूंगा जैसा कि हम देख रहे हैं ऊपर बीजेपी की जो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए चंद्र सिंह भगवान आपका बहुत शुक्रिया। और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश से बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के विक्रम मशताल बहुत पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बहुत बड़ी लीड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई हुई है। कांग्रेस के विक्रम मशताल बहुत पीछे चल रहे हैं बुधनी विधानसभा सीट से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस से कमल सिंह तकरीबन 5,746 वोटों से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस से शैलेंद्र पटेल 1,541 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और बीजेपी के सुदेश राय जो कि सीहोर से उम्मीदवार है बीजेपी के, वो लगभग 4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय जो कि बीजेपी महासचिव है वो आगे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, हालांकि छिंदवाड़ा से कमलनाथ शुरुआती रुझानों में पीछे चले, लेकिन अब वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और ग्वालियर की अगर बात की जाए तो ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ माना जाता है, वहां पर कांग्रेस ने लीड बनाई हुई है 4 सीटों की। उमरिया की अगर बात की जाए तो ईवीएम के पहले राउंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। शिव नारायण सिंह 1,741 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं है। हालांकि पबई से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश नायक पीछे चल रहे हैं, एक दो राउंड की गिनती अभी हुई है और लगातार काउंटिंग जारी है। बुरहानपुर से बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनिस आगे चल रही है, पूर्व में मंत्री रह चुकी है, 2,000 मतों से आगे चल रही है अर्चना चिटनिस। और बता दें कि यहां पर कांग्रेस ने पीछे चल रही है, बीजेपी से लखन वर्मा आगे चल रहे हैं। और सौंसर की अगर बात की जाए तो सौंसर से कांग्रेस के प्रत्याशी विजय चौरे आगे चल रहे हैं। और परासिया की अगर बात की जाए तो परासिया से कांग्रेस के सोहन बाल्मीकि आगे चल रहे हैं, दोनों विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। उमरिया की अगर बात की जाए तो यहां की मानपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज सिंह आगे चल रहे हैं।